हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर जो है 25th, मुझे जो मैंने असाइनमेंट भेजी है उससे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25th बेटा, फॉर क्वेश्चन नंबर 25th व्हाट यू हैव टू सी, द क्वेश्चन इज अ कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, एक वायर को जब मैंने बेंट किया इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, जो है एनक्लोजेस एरिया जो है मेरे पास दैट इज 484। ओके बेटा, नाउ व्हाट इज रिटन हियर, इफ द सेम वायर इज टू बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, तो बेटा मुझे कहा गया व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड हियर। अब सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए मेरे पास ये वायर है, ओके, पहले मैंने ना इसका ऐसे स्क्वायर बनाया। अब जो ये वायर का क्या यूज हुआ जब मैंने आगे तोड़ के इसको ऐसे सर्कुलर बना दिया, यस दैट इज जो गए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि वायर की जो लेंथ है वो ही बाउंड्री पे लगी ना सर्कल के, तो दैट मीन मेरे पास जो गए बेसिकली मैंने इक्वेट क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो गए वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × x, मेरे पास ये रिलेशन पता मुझे। अब बेसिकली मुझे क्या देखना है, यहाँ पर एरिया दिया है तो मैं साइड निकालूंगी, तो बेटा तभी मैं क्या करूंगी बेटा, व्हाट आई हैव टू डू कि मैं यहाँ से ये वैल्यू पुट कर पाऊंगी यहाँ पर, तो बेटा अंडर रूट ऑफ 484 स्क्वायर रूट मेथड आपको आना चाहिए। हाँ जी, 2 to the then 4, और मेरे को पता है कि अगर मैं 2 से करूंगी और 2 से 4 और 8, यानी मेरे पास 22 का स्क्वायर रूट ये होता है। ओके, तो साइड निकल आई 4 × 22 2 × 22/7 × r, अब 22 कैंसिल, 2 से ये 2 कट गया और मेरे पास r की वैल्यू आ गई 14। अब मैंने तो एरिया निकालना है किसका, सर्कल का, तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 14 स्क्वायर, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। अब बच्चे आप लोग जो गलती करते हो ना, पहले 14 को 14 से मल्टीप्लाई जी, फिर हम 7 से डिवाइड जी, मैं बार बार बोल रही हूँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, नो नीड टू मल्टीप्लाई, 14 दो बार देखो, ये 2 आया, 44 को सीधा 14 से मल्टीप्लाई करो, दैट वुड बी योर आंसर। ओके बेटा, बात समझ आ गई सबको, कभी भी इन क्वेश्चंस में पहले कैलकुलेशन मत करो, कटिंग करो, उससे आपका टाइम सेव होगा। ओके जी, क्लियर, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th क्वेश्चन जो है, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 26, इट इज रिटन दैट if the perimeter and the area of semicircle are numerically equal, mere paas that means what is given in question number 26 jo hai perimeter and area kiska semicircle ka baat kar rahe hain, semicircle ka area pi r square by 2, perimeter kya hoga, पाई आर प्लस 2r, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, पेरीमीटर वर्ड आ गया सेमी सर्कल का, तो ये बेटा ये डायमीटर भी आना है, तो डायमीटर को क्या लिखेंगे, 2r ऐड करेंगे, दे आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, मुझे r कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए बेटा देखिए मेरे को यहां से मैं r कॉमन ले लूं, पाई की जगह पे 22/7 2 ऐसे लिख दूं, ठीक है जी, और पाई आर स्क्वायर बाय 2, एक आर और एक आर कैंसिल कर दिया, तो अब मेरे पास हो गए 22/7, एलसीएम होगी 14, 14 प्लस 22 देखिए बेटा दैट इज 36/7, ये 2 ऊपर जाएगा और पाई नीचे आएगा,
पाई नीचे मतलब 22/7, ऐसे फास्ट स्पीड से कैलकुलेशंस करनी है। अब कटिंग कीजिए, 7 से 7 ये 2 11 दा, तो आर इज चेक कीजिए, कोई मिस्टेक ना हुई हो। हाँ जी, ये 2 बेटा सेमी सर्कल कह दिया है ना, सेमी सर्कल मतलब हाफ है ना, तो चेक कीजिए मेरे पास आर की वैल्यू ये आ रही है बेटा, प्लीज चेक द आंसर। मैं चेक करती हूँ मेरे पास ऑप्शन कौन कौन सी हैं। हाँ जी, 1.5 वो भी नहीं चलती है, 2 यूनिट, इसका मतलब बुक में ये चीज गलती है अगर हम देखें तो, क्योंकि पेरीमीटर जब लेना है तो क्लियर कट है पाई आर सेमी सर्कल का और ये लेना ही लेना है। अच्छा हम ऐसा करते हैं, हम पाई आर से एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, तो मैं वर्डिंग आपको सही करवा दूंगी। ये कैंसल, यस, उन्होंने किससे आंसर दिया हुआ है, वर्ड पेरीमीटर है, उन्होंने सर्कमफ्रेंस लिया है। हाँ जी बेटा, उन्होंने नहीं किया, यही तो गलती की है, दैट इज 100% रॉन्ग। आपको मैं शुरू से ये समझा रही हूं कि जब वर्ड पेरीमीटर आ जाता है तो वो लाइन सेगमेंट का पार्ट आ जाता है बीच में, लेकिन अगर सर्कमफ्रेंस होता है तो वो पेरीमीटर का पार्ट नहीं आता। तो लेट मी, हम लोग एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे, मेरे पास हो गए, लेट अस डू किसमें, उन्होंने सर्कमफ्रेंस देख के आंसर निकाला है, बट ये गलत है बेटा, 100% गलत है, क्योंकि पेरीमीटर वर्ड आ गया तो आपने 100% डायमीटर को ऐड करना ही करना है। ओके, तो कोई बात नहीं, हम करेक्ट कर लेंगे। चलिए बेटा, लेट अस डू, क्या किया आपने, हाँ जी शो मी प्लीज। हाँ जी बेटा, आवर मेथड इज 100% करेक्ट, ठीक है, यहां पर बुक में आंसर भी गलत हो सकता है, डोंट वरी, क्लियर। लेट अस डू इट बाय द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27, हाँ जी, द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल वेयर द सर्कमफ्रेंसेस जो है ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस सर्कल की दी है और मुझे एरिया कैलकुलेट करना है क्वाड्रेंट का। ओके बेटा, अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 44, हाँ जी, पाई की वैल्यू 22/7, हाँ जी, अब ये कैंसल, 2 2 2 कैंसल, r इज 7, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4, अब पाई जो है दैट इज 22/7, आर इज 7 स्क्वायर, 1 7 1 7 कट गया, 2 11, 77/2। ओके बेटा, हाँ जी, डिवाइड कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 28, क्वेश्चन नंबर 28, द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, अब ध्यान से देखना, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, व्हाट डज इट मींस, क्या बाहर है,
सर्कल बाहर है, ओके जी। तो मेरे पास हो गए एक स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग जो है वो, मैं दोनों फिगर्स बना के आपको कुछ बिल्कुल जी मैं दोनों फिगर से कुछ आपको बताना चाह रही हूँ, दैट्स व्हाई ड्रॉ इट। हाँ जी बेटा, यहां पर स्क्वायर जो है वो ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहे, स्क्वायर सॉरी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहे, यहां पर सर्कल जो है वो स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब कर रही है। एक तो वर्डिंग ये होती है, दूसरी वर्डिंग जो है सर्कल इज इनसाइड द स्क्वायर, स्क्वायर इज, तो दोनों वर्डिंग्स को ध्यान से आपको क्लियर कट पता होने चाहिए। अब यहां पर उसने कहा हुआ है मेरे पास हो गए द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो दैट मींस कि एक स्क्वायर जो है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको, सर्कल को, तो मेरी फिगर यहाँ पर ये बनेगी, ठीक है। अब उसने मेरे पास जो है कहा ऑफ जो है रेडियस ए सेंटीमीटर, मेरे पास जो है ये सर्कल का क्या हो गया डायमीटर, और सर्कल में रेडियस दे दिया ए ए, तो अब मुझे कैलकुलेट करना है स्क्वायर का पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स, हाँ जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ जी टू ए स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर फोर ए स्क्वायर, दैट मींस एक्स इज इक्वल टू रूट टू ए, मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो दैट मींस कि मेरे पास यहां पर जो दिया हुआ है पेरीमीटर इज फोर इंटू साइड, फोर इंटू एक्स, फोर रूट टू ए इज माय आंसर, ओके बेटा क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 29th, लेट अस डू दैट। क्वेश्चन नंबर 29th में व्हाट इज रिटन, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर डी वन 10 and D2 24, find the diameter of the larger circle. मुझे लगता है ये तो हम इतने questions कर चुके हैं। Simple, D square is equals to, देखो 10 square, 24 square, solve कर लेना और D की answer निकाल। Okay बेटा? बिल्कुल जी, 672 का रूट ले लेना, वो कितना आएगा 24 आएगा, ये था 26, चेक कर लो 26, बिल्कुल जी। नेक्स्ट बेटा मेरे पास हुए 30th क्वेश्चन, इन द फिगर ओ ए बी सी द फिगर इज गिवन like this O A P C and this is B and this is shaded. Now if O A P C is a quadrant of a circle with center O, then the area of the shaded region, मेरे पास हो गए और यहाँ साइड दी हुई है मुझे 7 सेंटीमीटर, हाँ जी क्या करेंगे, चलो नव्या को आज बताने दो, स्क्वायर में से
स्क्वायर में से सेक्टर, अब यहाँ सेक्टर तो दिया ही नहीं, वो सेक्टर मान लो, अच्छा अगर सेक्टर लेते हो तो एंगल क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल जी वो क्वाड्रेंट ही होता है, उसने बोल के फिर छोड़ दिया, मैंने उससे यही पूछा। ओके जी, तो दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट स्क्वायर 7 × 7 माइनस क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर। बेटा जितनी साइड है उतना ही रेडियस है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो दैट मींस 7 स्क्वायर, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, नेक्स्ट बेटा मेरे पास क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21/2 आंसर है बेटा, बिल्कुल सही। कैलकुलेशंस तो आपने ही करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, एंड देयर आर सम स्टूडेंट इवन इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दोज हु आर नॉट नोटिंग डाउन, नॉट ट्राई टू सॉल्व इट, आपका ही नुकसान है बेटा। मैं आगे भी आपको कह चुकी हूँ, इफ यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस विद मी, करने को क्या, कैलकुलेशंस छोड़ी है, जब तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, यू हैव टू सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। आप कभी पेपर पे अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31, हाँ जी, व्हाट इज रिटन हियर, फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ए बी सी डी, मेरे पास वो एक शीट है रेक्टेंगुलर ए बी सी डी, ए बी इज 40, ए डी इज 24, ए सेमी सर्कुलर पैटर्न विद बी सी एस डायामीटर इज कट ऑफ। अब कट करना है तो अंदर ही बनेगा ना, बाहर नहीं बनाना, क्लियर कट हिंट दे दिया उन्होंने। तो नाउ देन द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पेपर, अब उसने कहा है कि रिमेनिंग पेपर का जो है वो बताइए कितना एरिया होगा। हाँ जी विवान, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 24 × 40 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब बेटा अगर ये 24 है, आर कितनी होगी 12, पाई आर स्क्वायर बाय 2, ऐसे शॉर्टकट में करना फटाफट। ओके जी, अब कटिंग कीजिए एंड गेट योर आंसर। और ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 32, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है, टू सर्कुलर पीसेस ऑफ इक्वल जो है रेडियाई एंड मैक्सिमम एरिया। अब उसने कहा है कि दो ऐसे सर्कल्स हैं जिनका रेडियस सेम है लेकिन एरिया मैक्सिमम है, टचिंग ईच अदर आर कट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर जो है बेटा कार्डबोर्ड ऑफ डिमेंशन 14 × 7। अब यहां पर क्लियर कट देखिए, ये रेक्टेंगल है, इस तरफ 14 है, ये 7 है। अब उसने ये कहा है कि दो सर्कल मैक्सिमम एरिया, अगर मैंने मैक्सिमम करना है तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर मेरा जो डायामीटर है ना एक सर्कल का वो क्या हो जाए, इसका हाफ यूज हो, तो वो 7 ही हो सकता है। ऐसे बेटा उसने कहा एक रेक्टेंगुलर शीट से मैंने दो सर्कल काटने हैं, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए और रेडियाई सेम होनी चाहिए। अगर मेरे पास ये रेक्टेंगल है इस तरफ, हम उतना ही रेडियस मैक्सिमम एरिया के लिए उतना रेडियस ले सकते हैं जितनी उसकी ब्रेथ
या लेंथ का हाफ हो जाए, हम ब्रेथ से भी कम नहीं ले सकते। रीजन, अगर इधर से सिक्स कर देते हैं तो इधर को भी सिक्स, अगला भी सिक्स, 2 सेंटीमीटर इधर भी छूट जाए। तो मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या है, हम ब्रेथ से ज्यादा क्या है उसको नहीं कर सकते। तो ब्रेथ में मेरी जो लेंथ है वो कितनी है, 7 है। अगर 7 है तो मैं उससे ज्यादा यूज ही नहीं कर सकती। तो दैट्स व्हाई मैंने 7 डायमीटर, क्योंकि इस तरह भी 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। मैंने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, रेडियस भी इक्वल है और मेरे पास हो गए मैक्सिमम एरिया भी हो गया। तो मुझे इतना पता है। उसने क्या कहा है, फाइंड द यहां पर एरिया ऑफ द रिमेनिंग पेपर, यानी क्या कैलकुलेट करना है, बिल्कुल रेक्टेंगल के एरिया में से 2 सर्कल का एरिया क्या कर दूं। मतलब यहां ये चीज क्यों दी गई, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रेडियस। हमें डायरेक्टली रेडियस नहीं ना दिया, तो इसीलिए अगर आप 8 लेते, 8 + 8 आप ले ही नहीं सकते 16, यहां तुम्हारे पास लेंथ ही 14 है। बेटा अगर 7 की जगह 8 हुआ और इधर 14 ही हो तो आप मिनिमम चीज लोगे। अगर आप उधर 8 कर भी देते हो तो 8 + 8 में यही चीज समझा रही हूं ना, वो तो बन गया 16, वो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो फिर तुम 7 ही मेरे पास लोगे ना, क्योंकि 14 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो आपके पास डायमीटर कितना बन रहा है, 7। तो 1 7 ऑप्शन है, 1 8 है, क्योंकि आपका रेडियस सर्कल की बात करें जितना ऊपर को होता है उतना इधर को भी चाहिए ना, तो आप 8 ले ही नहीं सकते बेटा। मनरीत का ये क्वेश्चन था कि मैम अगर इधर 8 होता है ना तो हम कौन सा लेते, तब हम ले ही नहीं सकते थे। हाँ जी बिस्मान, मैम आई वाज डिस्कनेक्ट, मैम आई वाज डिस्कनेक्टेड फॉर अ सेकंड एंड वुड यू प्लीज रिपीट व्हाट टू डू इन दिस 32 क्वेश्चन। बेटा इट इज गिवन हियर कि आउट ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट यू हैव टू कैलकुलेट और यू हैव टू कट 2 सर्कल्स इन अ सच वे दैट इट मे हैव जो है मैक्सिमम एरिया एंड इक्वल रेडियस। तो मैंने वो बात डिस्कशन हो रही थी कि यहाँ पर जितनी हाइट है मेरे पास, मतलब जितनी ब्रेथ है, ब्रेथ 7 है, इधर भी मैक्सिमम 7 ही अवेलेबल होगा क्योंकि टोटल 14 है, तो मैं 7 से ज्यादा डायमीटर नहीं ले सकती, तो इसीलिए मैंने उसको 7। ओके जी, तो अब बेटा रिक्वायर्ड एरिया दैट इज 7 × 14 - 2 × मेरे पास हो गए पाई आर स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर लेना है। सॉल्व कर देती हूँ सारा, आपको कभी हो ही नहीं सकता कि नेगेटिव आ जाए। लेट अस सॉल्व इट, 98 - 2। ओके जी, वेरी गुड, 98, बिल्कुल जी, हाँ जी बिल्कुल, 21 इज द आंसर। 31st का जो आंसर है बेटा वो सी पार्ट है, दैट इज 8 1 2। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 33। लेट अस डू दैट फॉर यू नाउ। तो बेटा प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेटिव मिस्टेक नहीं होगी। हाँ जी,
Next question 33. In the figure, the area of the shaded region. अब बेटा देखिए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन जैसा ही है, बट डिफरेंस क्या है देखिए, वहां पर सेक्टर शेड किया हुआ था, यहां पर सेक्टर शेड नहीं किया हुआ। हाँ जी, और मुझे एंगल दिया हुआ है 40 और रेडियस जो है दैट इज might be given in the statement. Let us read the statement firstly. In the figure, the area of a shaded region enclosed between the two concentric circles of radii, small r 7 और जो है larger circle का radius 14 दिया है और angle दिया 40. मुझे shaded region निकालना है, तो क्या करेंगे? वेरी गुड, पहले रिंग का एरिया निकालेंगे ना, है ना? तो पहले रिंग का एरिया निकालने के लिए आउटर सर्कल में से इनर सर्कल क्या करेंगे, जब वो माइनस करेंगे ना पुत्र, तो ये सारा आ गया ना। अब ये भी तो एक्स्ट्रा पार्ट है, हमारे पास इतना एक्स्ट्रा है, ये जो मैंने डार्क किया नीचे वाला, ये एक्स्ट्रा है ना, जो मेरे पास आंसर आया रिंग में से, ये वाला एरिया उसमें माइनस करना है, यानी पहले आप लिखोगे पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर, ये रिंग का एरिया है, इसमें से सेक्टर नीचे वाले सेक्टर निकालना है, तो आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर, है ना, क्योंकि आप बड़ा सेक्टर निकालोगे तो ये पूरा आएगा, उसमें से ये भी माइनस करना है क्योंकि ये भी मुझे चाहिए नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो दैट मींस अब सेक्टर पाई आर जो है टू स्क्वायर जो है थीटा, दोनों में थीटा सेम है, ओवर 360 माइनस पाई आर वन स्क्वायर थीटा बाय 360, ये माइनस होना है, मैक्सिमम बच्चे क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, तो क्यों, आपको ये वाला एरिया नहीं ना चाहिए बेटा, यही तो बात समझा रही हूं, मुझे ये वाला एरिया माइनस करना है सिर्फ इतना, इसको निकालने के लिए पूरे सेक्टर में से छोटे वाला सेक्टर क्या करूंगी माइनस, फिगर को ऑब्जर्व किया करो ध्यान से, बात समझ आई, तभी कहती हूं पहले लिखो फॉर्मूला, टेंशन खत्म, क्या टेंशन खत्म, आप पाई देखो ये दोनों सेम है, am I right? देखो मैं कैलकुलेशन कैसे इजी करूं, एक तो पाई मैंने कॉमन ले ली, ठीक है जी, अब मेरे पास इन दोनों में आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर है, तो मैंने 14 स्क्वायर अंदर रह गया 1 माइनस थीटा 40 था, 40 बाय 3 कितना आएगा 1/9, देखो कैलकुलेशंस कितनी इजी हो गई। अब मेरे पास ये और ये, जब मैंने यहां पर क्या किया पाई आर वन स्क्वायर, पाई तो बाहर ही चला गया था, आर वन स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस खुलने हैं तो इधर आके क्या होता है प्लस, तो मैंने आर वन स्क्वायर बाहर ले लिया, थीटा ये 40 बाय करती तो 1/9 और ये माइनस 1, ये देखो मेरी कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी। ओके बेटा, ऐसे पेपर में दिमाग लगाना है, मेन मैथ्स में कैलकुलेशन, एक क्वेश्चन को ज्यादा लगा देंगे तो प्रॉब्लम ही आएगी हमें, अब कैलकुलेशन देखो कितनी इजी हो जाएगी आपकी। ओके जी, लेकिन एक चीज बता दूं, अगर एग्जाम में तुम कैलकुलेशन में अड़े हो टेंशन नहीं लेना, आपको जिस मेथड से आता है करो, जितने कम करो क्वेश्चंस बट वो 100% ट्रू होने चाहिए। हाँ जी, मैंने कैसे की, ये और ये सेम फैमिली को बिलोंग करता है, तो मैंने दोनों पाई तो सब में से बाहर ही ले लिया, अगर यहाँ आर टू स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से 1 बचा
यहां से माइनस थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 कितना 1/9 बच गया ये और ये, मैंने ब्रैकेट खोल दी थी मुझे पता चल गया इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, प्लस वाला पहले लिख दिया माइनस वाला बाद में लिख दिया, अब आगे तो कर सकते हो ना। हाँ जी आपका आंसर कितना आया? हाँ जी 3 से डिवाइड करके आ रहा आंसर फ्रैक्शन में। वन टू थ्री 2/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर, 1 2 3 2/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखे ना फ्रैक्शन में चाहिए कि नहीं, ठीक है जी, क्या डेसिमल में चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर कर। चलिए कंप्लीट करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बेटा 34th। क्वेश्चन It is given. Okay, we will complete it tomorrow as the time is over.